नमस्कार साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 13 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों, कुछ कारणों से काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बाकी दोस्तों, आप सभी अपना प्यार बनाए रखना पहले जैसा। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। दोस्तों, दुकान नंबर 34 रहा। बाकी मटर से स्टार्ट करते हैं। आज जो है इनके पास मटर क्या रेट बिका है भैया? आज जो है मटर आपके पास क्या रेट बिका सर? ये बिकाएगी 30 से लेकर के 26। सुबह में 30 रुपए बिका है धरी। अभी क्या रेट बिक रहा है सर? 15-16। अभी 26 बिक रहा है। ओके, बाकी आगे चलते हैं इनके ही दुकान पे, और शिमला ये मोटी वाली अचारी मिर्च का रेट पता करते हैं। हाँ जी भैया, आज जो है मिर्ची ये मोटी वाली क्या रेट बिक रहा है? 35 से 30 रुपए बिक रही है। 35 से लेकर के 30 रुपए किलो। हाँ जी। और ये नींबू 10 रुपए? 10 रुपए। ये कौन सा नींबू है इतना बम्पर साइज में? ओवरचाल का है। ओवरचाल का है। जो नॉर्मल नींबू होता है उसी का ये बम्पर में है? बस बस उसी से मिल रहा है। वो ना है, दूसरा क्वालिटी है। ये दूसरा क्वालिटी, इसे कौन सा नींबू बोलते हैं? गलगल कोई बोलता है, कोई ऐसे नींबू बोलता है जो कहें। अच्छा अच्छा, अलग अलग नाम है इसका। हाँ जी। हाँ ओके जी। दोस्तों, बैगन का रेट पता करते हैं। हाँ जी सर, बैगन क्या रेट बिक रहा है? ये गोले वाला? गोला वाला भाई साहब 30 रुपए किलो बैगन बिक रहा है, 30 रुपए होने के चक्कर में। ओके, रात को क्या रेट बिका ये? रात को बिका है 32 रुपए किलो। 32, अभी 30 बिक रहा है। और ये हरे वाला लंबे में? हरे वाला 25 से 22 तक। 25 से 22 रुपए तक। हाँ जी। ओके जी। कहीं भी दोस्तों, 34 नंबर दुकान पे गोभी भी मिल जाएगा आपको, हर तरह का सब्जी मिल जाएगा ऑलमोस्ट। बाकी गोभी का, पत्ता गोभी का रेट पूछते हैं भाई साहब से। हाँ जी, आज जो है पत्ता गोभी क्या रेट बिक रहा है? हाँ जी भाई साहब, ये 1000 रुपए का बिक रहा है भाई साहब। 1000 रुपए। वजन कितना होगा इसमें? वजन होगा इसमें 60 किलो 65 किलो। अच्छा, कहाँ का है ये? हापुड़ का है। हापुड़ का? ओके, यूपी हापुड़ का। हाँ जी। हाँ ओके। इससे हल्के में भी आ रहा है क्या कोई? हल्के में आ रहा है, हल्के में 500, 700, 600। अच्छा, ये हल्के में है 500, 600, 700 रुपए। इसमें वजन कितना होगा? वही वजन होगा 50-55 किलो। आज गोभी का टोटल गाड़ी कितना है? पत्ता गोभी का 4 गाड़ी है। 4 गाड़ी पहले से कुछ रेट में राहत है या फिर तेज है? पहले 1200-1400 का बिका है। 1200-1400 रुपए, अभी 1000 रुपए बिक रहा है, और हल्के में 700-800-600 रुपए। 500 तक है मंडी में राहत है। और आज कस्टमर कैसा है? कस्टमर का करंट है या क्या है? करंट तो नहीं, ढीला है बाजार, ढीला। अच्छा जी, ठंडा है ना आज? धन्यवाद जी। दोस्तों, दुकान नंबर 26 और 25, इनके पास भी जो है हर तरह का सब्जी मिल जाएगा आपको। बाकी अभी तो काफी कुछ बिक चुका है, जो है उसका रेट बताएंगे आपको। हाँ जी सर, ये सलजम आया आपके पास? हाँ जी भाई साहब, क्या रेट बिक रहा है? ये तो रात को बिका है 12 रुपए 14 रुपए। रात को 12 रुपए 14 रुपए। हाँ जी, 10 रुपए। अभी 10 रुपए। ओके जी। अरबी? ये अरबी बिक रही है भाई साहब, रात को बिकी 27-28 रुपए। 25 रुपए किलो। ओके, अभी अभी कितना है? 25 रुपए किलो। ओके, और ये घिया? घिया बिक रहे हैं आपको ये रात को 28 रुपए 30 रुपए। 28-30 रुपए, अभी 26 रुपए। वजन कितना होगा कोर्ट में? 17-18 किलो एक पन्नी में। 17-18 किलो। और मटर? मटर बिक रही 120 रुपए। 120 रुपए धरी। 24 रुपए किलो। 24 रुपए किलो। और रात को क्या रेट बिका है? रात को भी एक दो रुपए ऊपर नीचे हुआ है बस। दोस्तों, दुकान नंबर 23, इनके पास भी जो है हर तरह का आपको हरी सब्जी मिल जाएगा। बाकी सर से कुंदरू का रेट पर। हाँ जी सर, क्या रेट बिक रहा है कुंदरू आपके पास? कुंदरू 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। हाँ। इसमें वजन कितना होगा? 30 किलो। 30 किलो। और सेम? सेम 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। वजन? वजन इसमें 20 किलो। 20 किलो। और रात को क्या रेट बिका है सेम? रात को क्या रेट बिका? 30 रुपए किलो। 30 रुपए। और ये खीरा? खीरा बिका जी क्या बोले, रात को 22 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। अभी 15। इसमें वजन कितना है जी? इसमें 30 किलो। 30 किलो। ओके, धन्यवाद जी। फलदार सभी ले लो। दोस्तों, बीन्स
रात को इसका भाव था 30 रुपए किलो, अभी 28 रुपए किलो बिक रहा है। इसमें वजन होगा पन्ने में 20 किलो के आसपास। और ये कट्टे वाला क्या रेट है? 30 रुपए किलो। इसमें वजन कितना होगा? 50 किलो। पूरा कट्टा ही लेना पड़ेगा कस्टमर को? और क्या आया था आपके पास? खीरा। खीरा क्या रेट बिका? 25 रुपए। और बैगन? 30 रुपए। रात को क्या रेट बिका जी? 35। पूरा कार्टून लेना पड़ेगा कस्टमर को या आधा भी? कितना वजन होगा कार्टून में? 35-40 किलो। ओके जी, धन्यवाद जी। दोस्तों दुकान नंबर 20, इनके पास भी जो है हर तरह का आपको सब्जी मिल जाएगा। बाकी सर से रेट पता करते हो और क्या क्या माल आया है इनके पास। हाँ जी सर, आपके पास आज कौन कौन सा माल आया है और क्या रेट बिका है? गाजरी, गाजर आई थी साहब, 1 लाट बिका 10 रुपए, 1 बिका 8 रुपए, 1 बिका 6 रुपए। अच्छा, ये पन्नी वाला? पन्नी वाला 6 रुपए बिक रहा, थोड़ा हल्का। इसमें वजन कितना होगा? वजन होगा 30 किलो। और जो 10 रुपए 11 रुपए बता रहे हो, वो बढ़िया क्वालिटी थी, एक नंबर। पन्नी में था या कट्टे में? पन्नी में था, थोड़ा बारीक चालता पड़ गया। ओके जी। और ये प्याज हरे वाला? 15 रुपए जी। 15 रुपए किलो। इसमें एक पोट में वजन कितना होता है जी? 12-13 किलो होता है जी। 12-13। और सलजम? 10 रुपए। वजन कितना होगा जी? 30 किलो। रात को भी ये रेट बिका है? रात को भी ये बिका, एक ही रेट बिका जी। ओके। और ये सलाद वाला गोभी? 20 रुपए। ओके। मूली? मूली बिक रही है 8-10 रुपए। 8-10 रुपए। इसमें एक पोट में वजन कितना होगा? इसमें मूली में होगा 15 किलो। 15 किलो। और ये फूल गोभी भी आया था? अठारह से बीस रुपए। इसके अलावा और भी कुछ आया था क्या आपके शॉप पे? अपने पास ये आ रहा जी, मटर बिकी है 25 रुपए किलो। 25 रुपए मटर। कहाँ का आया था सर ये? जयपुर का जी। मटर जयपुर का आ रहा है? जयपुर का आ रहा है। अच्छा। और हल्के चाल में क्या रेट बिका? हल्के चाल में 20-22 रुपए। 20-22 रुपए मटर जी। ओके। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और दुकान का फर्म का नाम बता दीजिए। फर्म का नाम, दुकान नंबर 20 और हमारा नंबर है 85-95-1957-35। ओके जी, धन्यवाद जी। दोस्तों दुकान नंबर 16, यहाँ पे जो आपको थोक में मिर्ची, नींबू, लहसुन, अदरक, ये चारों चीज मिल जाएगा। हाँ जी, ये मिर्ची जो है आपका कहाँ का आया हुआ और क्या रेट बिक रहा है? ये बिहार का है, पतालगंगा से आई है। अच्छा, क्या रेट बिक रहा है जी? ये 60-65। 60-65। कम से कम कस्टमर को कितना लेना पड़ेगा? पूरा कट्टा? पूरा कट्टा, आधा कट्टा। आधा कट्टा भी मिल जाएगा? वजन कितना रहेगा आधे कट्टे में? 30 किलो। 60 किलो कट्टा होगा। अच्छा, 60 किलो का कट्टा होता है, आधे में 30 किलो होगा। ओके। और कहीं का भी आया क्या मिर्ची आपके पास? हाँ, ये नागपुर का। ये नागपुर का क्या रेट बिक रहा जी? 60 रुपए किलो। 60-62 रुपए। इसमें भी आधा कट्टा मिल जाएगा। ये दो रेट बता रहे हो, थोक का रेट बता रहे हो या परचून का? ये थोक का रेट है। थोक का कट्टे का रेट है? ओके। परचून का मिल रहा है 70-75 रुपए। उसमें धरी मिलेगा करीब? हाँ जी सर, ये जो अदरक है ये कहाँ का है? ये दुलाऊ अदरक आया, ये वाला। ओके। ये सेल्फू अदरक है। कौन सा अदरक? सेल्फू, मोटा अदरक होता है। अच्छा, सेल्फू बोलते हैं इसको? सेल्फू बोलते हैं। ओके, मोटा अदरक होता है। इसको चम्मच अच्छी होती है, इसको चलाते। अच्छा जी। और ये देखिए ये वाला क्या रेट बिक रहा है? ये 20 रुपए किलो। पूरा कट्टा लेना पड़ेगा? पूरा कट्टा। वजन कितना होगा? 40 किलो। ओके। और ये वाला? ये बेंगलोर का अदरक है। बेंगलोर का। ये धुला होता है या क्या होता है? बगैर धुले में। इसका क्या रेट है? 22 रुपए किलो। इसका वजन कितना होगा कट्टे का? कट्टे का 60 किलो। 60 किलो। लहसुन भी आया क्या आज आपके पास? लहसुन आज भी आया। ओके। नींबू? नींबू भी आई है, 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो। कहाँ का है जी? ये विजयपुर का। विजयपुर का। ओके। कम से कम एक कार्टून लेना पड़ेगा? एक कार्टून। वजन कितना होगा कार्टून में? 15-20 किलो। देखिए, 15-20 किलो। ओके जी, धन्यवाद जी। दोस्तों सीताफल हरे में भी है और पीले में भी है। सर ने क्वालिटी के लिए काट रखा है, देखो। 20 रुपए किलो। क्या रेट बिक रहा है जी? 15 रुपए किलो। और रात में क्या रेट बिका है? रात में भी 18 रुपए। अभी जो है ऑलमोस्ट आपके पास भोपाल का ही माल आ रहा है या और कहीं का भी? कलकत्ते का भी आ रहा है। कलकत्ते से भी आ रहा है सीताफली। ओके जी, धन्यवाद जी। दोस्तों दुकान नंबर 7, सर के पास जो है देसी और हाइब्रिड दोनों टमाटर आए हुए हैं। बेंगलोर भी है,
इंदौर भी है। अरे भैया फोटो लो, माल एक साल का है। बाकी सर से जानते हैं कहाँ कहाँ का माल आया हुआ इनके पास। हाँ जी सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर जी आज जो है आपके पास टोटल कितना गाड़ी आया हुआ है और कहाँ कहाँ का माल है? हमारे पे 5 गाड़ी है, मध्य प्रदेश से माल है और बेंगलोर से भी माल है अपने पास। आवक ज्यादा है और रेट कम है। अच्छा, और गर्मी है तो रेट कम हो ही जाएगा। अच्छा, गर्मी में धीरे धीरे कम हो जाता है। गर्मी में रेट कम हो जाएगा। ओके, और कहाँ कहाँ का माल जो सर स्टार्ट हो गया है? अब स्टार्ट यूपी का माल हो जाएगा, स्टार्ट राजस्थान का भी हो जाएगा, एमपी का चल रहा है, बेंगलोर भी चालू हो गया। अब चारों तरफ से माल बढ़ जाएंगे, मार्केट मंदे हो जाएंगे। ओके, तो गाड़ियों का आवक ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। ओके, उठाओ देखो अब बन जाएगा, अब लॉकडाउन कुछ खुला है तो उठाओ बन जाएगा जी। हाँ, पैसे अच्छे बने, किसान के बहुत अच्छे पैसे बने हैं, बहुत बढ़िया रहा रेट बीच में यहाँ जी। अभी ये 2-4 दिन पहले तो रेट अच्छा देखने को मिला था, रेट अच्छा था, रेट मंदा हो गया रेट। अच्छा जी, तो सर ये जो काफी सारे एरिया से माल आना स्टार्ट हो जाता है तो किसानों का भी घाटा होता है काफी? नहीं, घाटा किसान का नहीं होगा, क्योंकि अब जो है उनका लागत भी कम रहेगा ना, अब रोग कम लगेंगे, उनके जो है पैदावार बढ़ जाएंगे इस मौसम में। अच्छा, इसीलिए उनको पैसा बनना ही है, पैसे अच्छे बने हैं, आगे पैसे अच्छे बनेंगे। ये पिछले 4-5 महीने पहले काफी किसानों का नुकसान हो रहा था, माल भी डैमेज हो रहा था। थोड़ा मौसम का मार गिरता है, मौसम पीछे खराब हो गया था, मौसम अच्छा रहेगा और मौसम अच्छा हो भी गया है, आगे अब बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, सबका पैसे बने हैं, पीछे 2 महीने बहुत अच्छे पैसे बने हैं और आगे बनते रहेंगे। ओके जी, अपने पास जो है हाइब्रिड वाला टमाटर क्या रेट बिक रहा है सर? बिका है नीचे में 450, ऊंचे में 500। अच्छा, नीचे में 450, ऊपर में 500 रुपए। और बेंगलोर के माल बिके हैं 600 रुपए, 650 रुपए हाइब्रिड में। हाइब्रिड का। और देसी? देसी भी क्या है 350। 350, 300। हिमसोना भी क्या है 300, ऊंचे में 400। हिमसोना नीचे में 300, ऊंचे में 400 रुपए। ओके जी, और इसके अलावा और भी कोई से एरिया से माल है सर आपके पास? अभी चालू हो जाएगा, अभी अगले हफ्ते यूपी के चालू हो जाएगा, यूपी चालू हो जाएगा, अभी बहुत बहुत चार तरफ इलाके चालू हो जाएंगे अभी। ओके, 10 दिन बाद चारों तरफ माल चालू हो जाएंगे। ओके सर, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। आप है 9818106753434। ओके जी, धन्यवाद जी। दोस्तों दुकान नंबर 11 सर का जो है स्पेशल टमाटर का काम है, बाकी रेट बताएंगे। हाँ जी सर, आज जो है आपके पास कौन कौन सा टमाटर आया हुआ है और क्या रेट बिक रहा है जी? अपना टमाटर देसी आया हुआ जी, तरावड़ी से। ओके, तरावड़ी का आया हुआ है जी, लोकल टमाटर है जी। ओके, और बहुत बढ़िया हमारा बाजार, इसका 400 रुपए था, आज ये 2 दिन से बाजार मंदा हो गया है, 200 रुपए का बाजार हो गया, 220-230, 200-250 नीचे में, 220-230 और ऊपर में जी? ऊपर में हाईएस्ट टमाटर बिक रहा है जो सुपर टमाटर है देसी लोकल में 250 रुपए। ओके, और भी कहीं का आ रहा है माल? माल आ रहा है इंदौर का आ रहा है और गुजरात का आ रहा है। अच्छा जी, इंदौर का क्या रेट चल रहा है? इंदौर का बिक रहा है हाईब्रिड आ रहा है, ये बिक रहा है 400 से लेके 500। ओके, और देसी? देसी बिक रहा है जी अपना 350-300। ओके जी, और हिमसोना बिक रहा है 500 रुपए। हिमसोना 500 रुपए। ओके जी, आज जो है सर टमाटर का मंडी में टोटल कितना गाड़ी है? आज कम से कम नाना करते करते 30 गाड़ी तो होगी। 30 गाड़ी बैलेंस मिला करके? बैलेंस मिला करके, कल की बैलेंस 9 गाड़ी थी। ओके, हाँ जी। अपने पास हाइब्रिड भी आता है क्या? हाइब्रिड भी आता है, कल आएगा। ओके, आज अपने पास टोटल कितना गाड़ी आया है? अपने पास तो एक ही गाड़ी है देसी। ओके जी, किसान का भी माल बेचते हो क्या? किसान का आता है, वो किसान हमारे बैठे हैं जी सामने, ये किसान भाई जी हमारे। अच्छा, कहाँ से आए सर? ये है त्रावड़ी गुल्लापुर से। अच्छा जी, टमाटर के साथ। ओके सर, आप अपने फर्म का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। अपना फर्म का नाम है जी इंदर कुमार आनंद ब्रदर्स के नाम से, राजू मेरा नाम है और शॉप नंबर अपनी 11 है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर अपना 9810819128। अच्छा सर, एक चीज और पूछना है, अगर किसी को अगर टमाटर चाहिए होगा दिल्ली में कहीं पे भी तो पहुँचा देते हैं? हाँ, पहुँचा देते ही, जान पहचान निकल, अगर सही बंदा है तो भिजवा देंगे जी। अच्छा, क्वांटिटी वगैरह क्या रहता है? क्वांटिटी जैसा माल, अगर अच्छा माल होगा अच्छा भाव बिकेगा। नहीं मतलब कितना क्रेट पहुंचवाओगे वहाँ पे? एक गाड़ी में 80 आती है, छोटी पिकअप में 80 आती है। अच्छा, कम से कम 80 क्रेट जाएगा जी। ओके जी, धन्यवाद जी। सर एक छोटा सा चीज और बता दीजिए, अभी तो रेट पीछे तेज देखने को मिल रहा था, अभी ये किस वजह से इतना डाउन हुआ है? ये इस वजह से डाउन हुआ जी, कई इलाकों का टमाटर शुरू हो गया है। अच्छा, जैसे कि अपना ये जिरका का हो गया शुरू, त्रावड़ी का लोकल हो गया, गुल्लापुर का शुरू हो गया,
और बेंगलोर का हो गया, अपना गुजरात का टमाटर शुरू हो गया, तो ऐसे करके कई इलाकों का शुरू टमाटर हो गया है, इसी वजह से मंदा हो गया। तो अभी थोड़ा तेजी का कोई चांस है कि नहीं है? तेजी के चांस ये है कि तेजी हो सकती है, मगर तेजी के चांस तो कम ही रह गए जैसे हालात लग रहे हैं, क्योंकि डाउन होने से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है टमाटरों में। हाँ, नुकसान तो होता ही है, काफी सुनने को मिलता है जी, लागत भी नहीं निकल रहा है, किराया भाड़ा सारा कुछ है जी। और काफी तो फेंक भी देना पड़ता है माल जो छोटे होते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। धन्यवाद जी बताने के लिए। दोस्तों दुकान नंबर 331-32 स्पेशल जो है सर का गोभी का ही काम है, बाकी रेट पता करते हो और किस जगह से आए गोभी ये भी पता करते सर से। हाँ जी सर, ये ब्रोकली क्या रेट बिक रहा है? ब्रोकली भाई साहब 15 रुपए से 18 रुपए के बीच में बिक रही है। 15 से लेकर के 18 रुपए, टॉप क्वालिटी 18 रुपए। वजन कितना होगा एक कोट में? वो वजन तो अपने हिसाब से होता है, कोई ज्यादा भर लेता है कुछ कम है। अच्छा, अभी जो आया है सर इसमें कितना होगा? 20-22 किलो की भर्ती है। 20-22 किलो की भर्ती है। और ये वाला गोभी सर फुल गोभी 15-28-30 किलो वजन है, ये 15 से 18 के बीच में बिक रही है। अच्छा जी, 15 से 18 के बीच में। ये अपना गोभी कहाँ से आते सर? ये सर चौकला गांव से, नजफगढ़ के पास। नजफगढ़ के पास है, ओके, दिल्ली नजफगढ़। ओके जी, स्पेशल जो है गोभी लेकर के आते हो या इसके अलावा और भी कोई सब्जी लेके आते हो? स्पेशल गोभी है। गोभी स्पेशल है, ओके जी। केशवपुर मंडी में ही लेके आते हो? ओके, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर, अगर किसी अगर व्यापारी को अगर खरीदना होगा गोभी तो कॉन्टेक्ट करके आ सके। तो सर नंबर है मेरा 9999676651। ओके दोस्तों, किसी को अगर गोभी लेना हो सर का स्पेशल गोभी का काम है, कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं आप। दोस्तों दुकान नंबर 29 सर का जो दुकान है ऊपर है, लेकिन आज नीचे बेच रहे हैं गोभी आए हुए इनके पास, और आलू आया है, धुला हुआ आलू है। ये आलू धुला हुआ है, बढ़िया एक नंबर का आलू है। अच्छा, ये धुला हुआ कहाँ का जी? ये है अमरोहे का। अमरोहे का क्या रेट बिक रहे हैं? 500 रुपए का, 55 से 60 किलो वजन है। 500 रुपए कट्टा है, 55 से 60 किलो वजन है इसमें कट्टे में। 9 रुपए किलो पड़ेगा, 9 रुपए किलो पड़ रहा है। खर्चे में है ये? खर्चे में कोई खर्चा नहीं। ओके जी, गोभी? गोभी बिक रही है 18 रुपए किलो। 18 रुपए किलो 2-3 दिन के अंदर। ओके जी, गोभी बहुत बढ़िया बेहतरीन। ओके, वजन कितना होगा इसमें? वजन तो तोल के होता है, जितना होता है इसमें उतने का पैसा लगता है। अच्छा, ये तोल के तोल करके है जी। इसके अलावा और भी कुछ आया था आपके पास? आया था ऊपर गाजर है, दुकान के ऊपर गाजर है। अच्छा, क्या रेट बिक रहा है गाजर आपके पास? 7-8 रुपए किलो। 7-8 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी, एक नंबर का माल है। ओके, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जी। 8459774812। आलू जो है आपके पास कब तक आता रहेगा? आलू आएगा पूरे सीजन आता है। आलू कितने महीने? पूरे सीजन चलता है, पूरा सीजन ही, जब तक आलू का सीजन चलेगा 12 महीने। ओके जी।